अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईमेल मार्केटिंग से पैसे किस तरह से कमाएं। वेलकम टू लेसन नंबर वन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग इन द कोर्स। आपने ये कोर्स खरीदा है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। इस कोर्स में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हो, तो पे क्लोज अटेंशन। आप ध्यान से वीडियोस को देखिएगा, जरूरत पड़े तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेसन वन है। सबसे पहले आज का लेसन जो है हमारा, इसमें हम समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, एंड देन हम दूसरी चीज समझेंगे कि क्यों जरूरी होती है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, होती क्या है और क्यों जरूरी होती है। ये दोनों चीजें आप आज के लेसन में समझने वाले, ठीक है जी। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो जैसा आप नाम से ही समझ सकते हो, ईमेल मार्केटिंग इज आप मार्केटिंग कर रहे हो किसके जरिए, ईमेल के जरिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। आप में से बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जो कोर्स खरीदा है वो कैसे खरीदा है, आप लोगों को मैंने क्या डाली थी, एक ईमेल। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, बाकी लोग होंगे जिन्होंने एड से आके खरीदी है, बट आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्हें मैंने एक ईमेल भेजा, ठीक है। उस ईमेल में इस कोर्स का लिंक था, आपने इस लिंक को क्लिक किया और आपने कोर्स परचेज किया। तो मैं क्या कर रहा था, बेसिकली मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा था, है ना। मैं क्या मार्केट कर रहा था, मैं मार्केट कर रहा था अपना ईमेल मार्केटिंग का कोर्स। और कैसे मार्केट कर रहा था, मैं कर रहा था थ्रू ईमेल। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में ईमेल मार्केटिंग, राइट। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप उसका प्रचार, अगर आप उसकी मार्केटिंग किसके जरिए कर रहे हो, ईमेल के जरिए, तो उसे हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, वो आप ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, वो क्या है कि ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है भैया ईमेल मार्केटिंग आज के जमाने में। तो ध्यान से सुनो, देखो अभी क्या होता है, अभी देखो क्या होता है मार्केटिंग के क्या तरीके हैं। एक आप कर सकते हो एसईओ, है ना। एसईओ में क्या करते हो आप अपने वेब पेज को गूगल पे क्या कराते हो, रैंक, और वहां से आपके पास क्या आता है, ट्रैफिक, ठीक है। आप एसईओ कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो पेड एड्स, है ना। आप पैसे से एड चला सकते हो, राइट। आप कैसे पेड एड्स कर सकते हो, आप फेसबुक एड्स कर सकते हो, है ना। आप फेसबुक को क्या दोगे, पैसे दोगे, और उसके बदले में आप अपनी एड फेसबुक पे रन कर सकते हो। गूगल एड्स, आप गूगल को पैसे दोगे और इसके बदले में आप अपनी एड रन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे दोगे और उसके बदले में आप एड रन कर सकते हो। अब ध्यान से समझना, मान लो आपने किया एसईओ, बहुत बढ़िया भैया, आपकी वेबसाइट नंबर वन रैंक हो रही है। अब क्या हुआ, गूगल ने अपने एल्गोरिथम में क्या कर दिया, चेंज। एल्गो क्या हो गया जी, गूगल का चेंज हो गया। अब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट थी नंबर वन पे, अब धड़ाम से आ गई नंबर टेन पे, रातों रात बिजनेस क्या हो गया, बंद। एसईओ के केस में क्या है, आप पूरे के पूरे किस पे डिपेंड हो, गूगल के ऊपर। अगर गूगल ने कोई भी चेंज किया, खत्म, आपका बिजनेस बंद। बताओ क्या ऐसा बिजनेस चाहोगे जो गूगल एक एक्शन ले और बिजनेस हो जाए ठप, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ये कैसे हो सकता है, ये होगा अगर आप बस एसईओ पे डिपेंड हो। दूसरी चीज आ जाते हैं पेड एड्स, फेसबुक एड्स की बात करते हैं। फेसबुक पे आप एड्स कब तक चला सकते हो, जब तक आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो। चलो यहां तक तो बात ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, एड चल रही है। इसके अलावा फेसबुक की क्या होती रहती है, पॉलिसीज चेंज। अगर फेसबुक को लगेगा भैया आपकी वेबसाइट, आपका जो एड है वो अच्छा नहीं है, तो फेसबुक आपकी एड क्या कर देगा, बंद। प्लस फेसबुक आपका एड अकाउंट भी क्या कर सकता है, डीएक्टिवेट, क्लोज, शट डाउन। सेम चीज गूगल पे है,
उन्हें अगर आपकी एड पसंद नहीं आई, अगर आप उनकी पॉलिसी वायलेट कर रहे हो, आपकी एड भी बंद हो सकती है, आपका एड अकाउंट भी बंद हो सकता है। अगेन आप पैसे भी दे रहे हो बट फिर भी आप किस पे डिपेंड हो, फेसबुक पे, गूगल पे, है ना। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल में क्या किसी पे डिपेंड हो क्या? किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। सपोज करो आपके पास 20,000 लोगों का ईमेल है ना, आप इन्हें कभी भी मेल भेज सकते हो, किसी भी टाइम मेल भेज सकते हो, आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो, ना फेसबुक पे, गूगल पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। इन्हें कभी भी मेल भेजो, कितनी बार भी भेजो, आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो। लिटरली आप हर ईमेल के साथ पैसे कमा सकते हो। कैसे हो सकता है काम? ये हो सकता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए। प्लस सारा कंट्रोल किसके पास है? सब कंट्रोल आपके पास है। ये 20,000 लोगों की ईमेल लिस्ट आपकी है, आप इन्हें मेल भेज सकते हो। इन 20,000 लोगों के ऊपर कंट्रोल किसी और प्लेटफॉर्म का नहीं है, फेसबुक का नहीं है, गूगल का नहीं है, किसी और का कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है। आप डिसाइड करोगे कि कब मेल भेजना है, कब नहीं भेजना, राइट। इसीलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया है कि ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, और है क्या। अब अगेन कल के लेसन से हम आगे की चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वेलकम टू न्यू लेसन। दिस इज लेसन नंबर 2। आज के लेसन में हम बात करेंगे अबाउट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, अगर आपको मास मेलिंग करनी है, तो हम जीमेल या फिर आपका याहू मेल या ऐसी जो सर्विसेज हैं इनका यूज नहीं कर सकते। ये जो सर्विसेज हैं, जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, इस टाइप के जो सर्विसेज हैं, ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बनी है, मेरी आपसे कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन के लिए बनी है। ये सारी चीजें मास ईमेलिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। तो अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो इनका यूज नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केट में बड़े सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, कुछ का मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर मेरा फेवरेट कौन सा है मैं वो बता दूंगा। एक्टिव कैंपेन है ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर मार्केट में। एक जिसका आप लोगों ने नाम पक्का सुना होगा वो है मेलचिम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है सेंडिनब्लू, और भी बड़े सारे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब 50-100 से ऊपर ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स इस समय मार्केट में हैं। अब जो मेजॉरिटी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? दो तरीकों से काम करते हैं सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। पहला तरीका क्या होता है कि वो आपको 1,000 ईमेल्स पर मंथ ये फ्री दे देते हैं और आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, वो कुछ दिन का आपको फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद आपको उनका पेड प्लान लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, इट्स योर डिस्क्रिप्शन, बट ये जो कोर्स है वो मैं आपको समझाऊंगा यूजिंग एक्टिव कैंपेन। अब ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम हर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को का यूज करके मैं आपको ये ईमेल मार्केटिंग सिखाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे 500 लेसन का ही ईमेल मार्केटिंग का कोर्स हो जाएगा। तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक्टिव कैंपेन। अब ये जो एक्टिव कैंपेन है इसमें 14 दिन का मेरे ख्याल से ट्रायल पीरियड है, राइट। तो 14 दिन आप फ्री में यूज कर सकते हो, उसके बाद इसके पेड प्लान है ना। और जो पेड प्लान है वो बड़े सस्ते से स्टार्ट होते हैं, आई बिलीव $15 या $20 पर मंथ से इसका पेड प्लान स्टार्ट होता है। तो $20 कितना हुआ? 1400-1500 रुपए, ठीक है। इतना तो आप खर्च कर ही सकते हो अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो या किसी और के लिए आप एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो। अब एक्टिव कैंपेन से ही क्यों हम सीखेंगे? एक्टिव कैंपेन से ही हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि मैं क्या यूज करता हूं? एक्टिव कैंपेन।
और एक्टिव कैंपेन मार्केट में जितने ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स ट्राई किए हैं और एक्टिव कैंपेन उनमें से बाई फार दी बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स है सॉफ्टवेयर है। मैं लाखों हजारों ईमेल्स, लाखों ईमेल्स तो नहीं और हजारों ईमेल्स तो मैं भेज ही चुका हूं यूजिंग एक्टिव कैंपेन। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। जब भी आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें आपको क्या जरूरत है देखने की, एक तो उसमें ऑटोमेशन के फीचर्स हैं कि नहीं, क्या क्या उसमें ऑटोमेशन है। आप एक्टिव कैंपेन में देखोगे बहुत ही जबरदस्त ऑटोमेशन के फीचर्स हैं जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सीखेंगे एक्टिव कैंपेन। प्लस एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि मार्केट में बड़े सारे आपको और सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो सस्ते थोड़े होते हैं और जिनसे आपको आप मेल्स भेज सकते हो, बट आई विल नॉट रेकमेंड यू कि आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करें। उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो जो आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी है वो भी उन सॉफ्टवेयर्स में बड़ी कम होती है। एक्टिव कैंपेन में पर्सनली मैंने देखा है कि डिलीवरेबिलिटी अच्छी है, ज्यादातर टाइम ज्यादातर ईमेल्स इनबॉक्स में ही जाती हैं। और इनबॉक्स में ईमेल क्यों नहीं जाती, क्यों उस पर हम या प्रमोशन में जाती हैं और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये भी मैं आपको आगे के लेसन में बताऊंगा, ठीक है। तो जस्ट इस लेसन से आपको दो चीजें सीखनी है, एक ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमें एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जीमेल याहू मेल हम यूज नहीं कर सकते, और दूसरा हमें क्या यूज करना है, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है एक्टिव कैंपेन, और ये जो है आपका ये बाय फार द बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, कल मिलेंगे एक नए लेसन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए ईमेल्स कहां से आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ध्यान से आप इस लेसन को देखिएगा। तो ईमेल मार्केटिंग जो है हमारा, उसका फाउंडेशन है ईमेल्स, है ना। आपके पास ईमेल्स होनी चाहिए जिन्हें आप मार्केट करोगे, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया ये तो ठीक है बट हम ईमेल लाएंगे कहां से, ईमेल कहां से आएगी भैया, कैसे करें ईमेल मार्केटिंग। तो इसके बड़े सारे तरीके है ना, उन तरीकों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, देन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो तरीका भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, सबसे आसान तरीका, ठीक है जी, सबसे इजी, ठीक है, सबसे आसान कौन सा तरीका है जी, बताओ, ईमेल लाने का। सोचो एक दो मिनट तो नहीं, 5-10 सेकंड सोचो, सबसे आसान तरीका क्या होगा ईमेल लाने का। तो देखो सबसे आसान तरीका है, आप देखोगे सिंपल गूगल सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स, ठीक है, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बल्क में ईमेल्स बेचते हैं लिटरली। तो 10,000 रुपए दोगे आप, आपको तो 15-20 लाख लोगों की ईमेल्स दे देंगे और आप उन्हें मेल भेज सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे वाह मजा आ गया ये तो, ठीक है, 15,000-10,000 रुपए दिए और इधर से मिल गया मुझे धक से 15 लाख, क्या बात है, अब तो गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, ये जो 15 लाख लोग हैं इन्हें आप क्या भेज रहे हो, कोल्ड ईमेल, ना ये आपको जानते हैं ना आपको पहचानते हैं, तो क्या चांस आपको लगता है कि ये आपकी मेल खोलेंगे भी, और उसके बाद पहली बात तो क्या चांस लगता है आपको कि आपकी मेल इनके इनबॉक्स में जाएगी, दूसरा क्या ये आपकी मेल खोलेंगे, तीसरा अगर ये आपकी मेल खोलेंगे तो क्या ये आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या जाके आपसे खरीदेंगे, क्या आप एकदम अननोन कहीं से ईमेल आई हवे में आप जाके उससे प्रोडक्ट खरीद लोगे, कैसे होता है, क्या आप जाके इनका प्रोडक्ट खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। हाँ 15 लाख में से एक दो ने खरीद लिया तो खरीद लिया, बाकी तो नहीं खरीदने वाले। और अगली चीज, इन 15 लाख को ईमेल भेजोगे उसका इतना सारा पैसा लगेगा, प्लस 10,000 ये दे दिए, ज्यादातर लोगों के पास ईमेल आपकी इनबॉक्स में जाएगी नहीं,
तो आपकी ईमेल आईडी भी क्या हो जाएगी, ब्लैकलिस्ट, ज्यादातर लोग उठा के आपको स्पैम में डाल देंगे, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है लेकिन सबसे बकवास तरीका है। ये तरीका आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये था तरीका नंबर वन, मार्केट से ईमेल खरीदो, उन्हें ईमेल भेजो, सबसे आसान है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। अब अगला तरीका क्या है, अगला तरीका भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। आप वेब स्क्रैपिंग से ईमेल जुटाओ, मतलब इंटरनेट पे आप कंपनीज की वेबसाइट से ईमेल ढूंढो, है ना, और वो ईमेल लो और उनको आप मेल भेजो, कोल्ड आउटरीच ईमेल। लिटरली जो पहले काम आप कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, मार्केट से ईमेल खरीद ले रहे थे, 10-15 हजार दे के एक ही साथ कई लाख ईमेल मिल जा रही थी। यहां क्या कर रहे हो, हर वेबसाइट पे जा रहे हो, वहां से ईमेल उठा रहे हो और फिर उनको मेल भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप हमारी वेबसाइट पे गए थिंक एंड थ्राइव पे, वहां से आपको एक ईमेल मिल जाएगी, आपने वो अपनी ईमेल डेटाबेस में डाल ली। देन आप किसी और की वेबसाइट पे गए, वहां से ईमेल उठाई, वो डेटाबेस में डाल ली और देन आप उनको ईमेल कर रहे हो, है ना। अगेन ये तरीका भी बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास है, पहला अगेन आप ऐसे लोगों को ईमेल भेज रहे हो जो आपको जानते भी नहीं, जिन्होंने आपको आपकी ईमेल को सब्सक्राइब भी नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भैया मुझे मेल भेजो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा आपको, उन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी आप उन्हें मेल भेज रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगेन वो क्या आपके मेल खोलेंगे, बहुत ही रिमोट चांसेस है। क्यों, क्योंकि एकदम कोल्ड ईमेल आ रही है, एकदम अननोन पर्सन से ईमेल आ रही है, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको यूज नहीं करना। तीसरा तरीका क्या है जी, अब मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा आपसे, मैं यहाँ पे स्केल की बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे अच्छा ये एक तरीका और है कि रोड पे किसी भी बंदे से उठा के मैं उसकी ईमेल पूछ लूं और उसको ईमेल भेज दूं, तो कितने लोगों से पूछ लोगे दिन भर में, है ना। तो अगेन वो तरीका स्केलेबल नहीं है। तीसरा तरीका क्या है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, वो है कि लोग अपनी ईमेल आईडी, सपोज करो ये कोई है, है ना, और ये बंदा अपनी ईमेल आईडी आपको दे कि भैया ये लो मेरी ईमेल, मुझे ईमेल भेजो भैया, ये बंदा ऐसा कह रहा है ना। तो ये बंदा ऐसा कब कहेगा कि भैया मुझे ईमेल भेजो, ये आपको अपनी ईमेल कब देगा, ये आपको अपनी ईमेल तब देगा जब इसको उसके बदले में कुछ मिले। फॉर एग्जाम्पल से आप एक हो जिम के इंस्ट्रक्टर, है ना, और आपने एक वेबसाइट बनाई, बड़ी सुंदर सी एक आपने वेबसाइट बना दी, और उस वेबसाइट पे आपने एक पेज बना दिया, उस पेज पे आपने एक ई बुक डाल दी, आपने कहा कि भैया अगर 6-pack abs बनाना चाहते हो तो ये ई बुक डाउनलोड कर लो, इसमें मैंने बताया 6-pack abs कैसे बनाया जा सकता है, और ये ई बुक क्या है, कंप्लीटली फ्री, आपको क्या देना है इसके बदले, अपना ईमेल, दैट्स इट। और अगर मेरे को 6-pack abs बनाने हैं, मैं आपकी वेबसाइट पे आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं आपको ईमेल दूंगा, राइट। अब मैंने आपको ईमेल दे दी, क्या मैंने खुद आपको ईमेल दी है, आपने कहीं से चोरी किया है, मैंने खुद आपको ईमेल दी है। क्यों दी है मैंने ईमेल आपको, अगेन क्योंकि आपने मुझे ई बुक दी है। अब मैं आपको ईमेल्स फ्यूचर में भेज सकता हूं, प्लस अब आप मेरी ईमेल खोलोगे भी, क्यों, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से अपना ईमेल दिया था, आपको मेरा वो कंटेंट पसंद आया था, देन आपने मेरे को ईमेल दिया था और अब आप मेरी ईमेल्स खोलोगे, है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल्स लेने का। क्या है तरीका, वो तरीका है बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स, ठीक है जी। कैसे, बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स। लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं कि आप किसी को कुछ फ्री में दे रहे हो और जिसके बदले वो अपना ईमेल एड्रेस आपको दे रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरी क्या है, एक फेसबुक एड्स चेकलिस्ट, है ना, जिसमें मैं आपको 14 पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फेसबुक एड रन करो। उसमें मैं क्या कहता हूं आपको, भैया ये चेकलिस्ट ले लो और ये फ्री है, प्लस इसके बदले में आपको क्या देना है, जस्ट ईमेल। और जैसे ही आप एक बार ईमेल दे देते हो, फिर मैं आपको लगातार ईमेल्स भेजता हूं। वो भी हम फ्यूचर में बात करेंगे कि ईमेल्स कैसे भेजनी है, क्या सीक्वेंसिंग है, बाकी सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। सो बेस्ट तरीका क्या है, लीड मैग्नेट। तो अब आपको यह देखना है कि आपका जो भी बिजनेस हो,
आप अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे, एक लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट क्या होता है, आप कुछ फ्री में दे रहे हो किसी को, है ना। अब लीड मैग्नेट क्या हो सकता है, मेरे केस में क्या है, ई बुक है, सॉरी एक चेकलिस्ट है। तो आप दे सकते हो चेकलिस्ट, प्लस आप दे सकते हो कोई बुक, आप दे सकते हो कोई पीडीएफ, आप दे सकते हो वीडियो सीरीज, है ना। एनीथिंग ऑफ वैल्यू आप उसको फ्री दे दो, दैट इज लीड मैग्नेट। उसके बदले में लोग आपको ईमेल देंगे और आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग। ठीक है जी, तो ये था कि कैसे आपको ईमेल्स इकट्ठी करनी। अगेन टेंशन लेने की बात नहीं, आगे के लेसन्स में आपको बताऊंगा भी। अगेन मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो मैंने लैंडिंग पेज के कोर्स में पूरा बताया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना फॉर्म लगाना है, कैसे सारी चीजों को इंटीग्रेट करना है, प्लस मैं आपको एक अपने पेज का लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगेन हमें क्या यूज करना है, हमेशा हमें यूज करना है ईमेल इकट्ठा करने के लिए लीड मैग्नेट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टाइप्स ऑफ ईमेल्स। ठीक है जी, कितने टाइप की मेल्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो मोटा मोटा आप टोटल तीन टाइप्स में ईमेल्स को बांट सकते हो, या आप कह सकते हो कि भैया जो ईमेल्स हैं वो तीन टाइप्स की होती। पहला ट्रांजैक्शनल, ठीक है जी, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। दूसरी कौन सी होती हैं, दूसरी होती हैं रिलेशनल, ठीक है, दूसरी होती हैं रिलेशनल। एंड द फाइनल वन इज प्रमोशनल, राइट। तो ये मेजर तीन कैटेगरीज हैं जिनमें आप ईमेल्स को बांट सकते हो, ट्रांजैक्शनल, रिलेशनल एंड लास्ट वन इज प्रमोशनल। तो अब ये ट्रांजैक्शनल ईमेल्स कौन सी होती हैं, तो देखो जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, है ना, तो उसका जो थैंक यू ईमेल आता है, राइट, या आपके पास कॉन्फर्मेशन का मेल आता है कि भैया आपका परचेज सक्सेसफुल हो गया, ये आपका ट्रांजैक्शनल ईमेल है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास शिपिंग की इंफॉर्मेशन आती है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा उसकी शिपिंग की जानकारी आ रही है कि भैया प्रोडक्ट शिप हो चुका है, ये स्टेटस है, ये क्या है, अगेन शिपिंग, आपका क्या है, ट्रांजैक्शनल। पासवर्ड चेंज करने की मेल आ रही है आपके पास, पासवर्ड रीसेट करने की मेल आ रही है, आपसे कॉन्फर्मेशन मांगा जा रहा है आपकी ईमेल आईडी का, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। अगेन ट्रांजैक्शनल ईमेल्स जरूरी होती हैं, बट ये ऐसी ईमेल्स नहीं है जो आप डेली लिखते हो, है ना। ये सब चीजें ज्यादातर वो हैं जो सिस्टम डिफाइंड है, या एक बार आपने डिफाइन कर दी और वो बैकएंड पे चलती रहती है। अगर किसी का पासवर्ड किसी ने फॉरगेट किया तो मेल अपने आप उसको चली जाएगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं जहां तक बात है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। ठीक है, दूसरी चीज रिलेशनल ईमेल्स। अभी रिलेशनल ईमेल्स क्या होती हैं, देखो आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो अल्टीमेट गोल क्या होता है आपका, कि आप और ज्यादा अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेच सको, किसके थ्रू, अपनी ईमेल्स के थ्रू, है ना। जो आप ईमेल्स भेज रहे हो उसके थ्रू आप और अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सको, यही गोल होता है आपके ईमेल मार्केटिंग का, राइट। अब इस पूरे गोल में एक चीज जरूरी है कि आप अपने यूजर को वैल्यू डिलीवर करो, राइट। अगर आप अपने यूजर को वैल्यू डिलीवर नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस यूजर आगे खरीदे उसके चांसेस बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिमोट है। तो रिलेशनल ईमेल्स वो ईमेल्स होती हैं जो आप अपने सब्सक्राइबर्स को भेजते हो ताकि आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो, ताकि ट्रस्ट और बढ़िया बने, ट्रस्ट और मजबूत हो, एक और अच्छा बॉन्ड बने, इसलिए हम क्या भेजते हैं, रिलेशनल ईमेल्स। अभी रिलेशनल ईमेल्स में क्या क्या आता है, तो जैसे आपके पास वेलकम ईमेल आई, आपने कहीं साइन अप किया, आपके पास एक अच्छी सी वेलकम ईमेल आई कि भैया थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग अप एंड हियर आर द नेक्स्ट स्टेप्स, ऐसी जो ईमेल्स होती हैं वेलकम ईमेल्स, उनको हम क्या क्या कहते हैं, रिलेशनल ईमेल्स में, राइट। इसके अलावा आप कॉन्टेंट अगर भेजते हो, है ना, अपने सब्सक्राइबर्स को आप क्या भेज रहे हो, कॉन्टेंट भेज रहे हो, उसको हम अगेन किस चीज में डालते हैं, रिलेशनल ईमेल्स। कॉन्टेंट आप किस लिए भेज रहे हो, अगेन एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
तो कंटेंट में आपका क्या आ गया, आपका आ गया ब्लॉग आ गया, आपने ब्लॉग बनाया और आपने उसकी मेल उनको भेजी, इसके अलावा आपने वीडियो भेजी, ये भी किस चीज में आता है, रिलेशनल में। इसके अलावा आप कोई वेबिनार कर रहे हो, आप वो भेज रहे हो, तो अगेन किस चीज में आ गया, रिलेशनल में। आपने अगर कोई अपनी पर्सनल स्टोरी, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सनल स्टोरी या कोई ऐसी चीज आप अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, अगेन वो किस चीज में आ गया, रिलेशनल। तो ये ईमेल्स क्या करते हैं, एक अच्छा बॉन्ड बनाने में आपकी हेल्प करती है। एंड द लास्ट वन इज प्रमोशनल। जैसा आप नाम से समझ सकते हो, प्रमोशनल ईमेल्स कौन सी होती है, जहां पे आप कुछ सेल कर रहे हो लोगों को, राइट। सो दोज आर प्रमोशनल ईमेल्स। तो से आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की ईमेल आप भेज रहे हो, तो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई डिस्काउंट ऑफर दे रहे हो, उसकी ईमेल भेज रहे हो, सो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई नया से आप वेबिनार कर रहे हो, तो अगेन उसकी ईमेल भेज रहे हो, सो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई प्रोडक्ट अफिलियट कर रहे हो, उसकी लिंक भेज रहे हो लोगों को, सो दैट्स अगेन प्रमोशनल ईमेल्स। तो ये मेजर तीन कैटेगरीज में आप अपने पूरे ईमेल मार्केटिंग को या जो भी आप ईमेल्स भेजोगे उनको डिवाइड कर सकते हो। ये एक आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है कि भैया किस किस टाइप की आप ईमेल्स यूजर्स को भेज सकते हो, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल के लेसन मिलेंगे एक नई चीज के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम एक्टिव कैंपेन पे अपना अकाउंट बनाएंगे, प्लस हम समझेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती हैं, नहीं होती हैं। सो पे क्लोज अटेंशन, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है जी। सो सबसे पहले चलते हैं हम एक्टिव कैंपेन पे। तो यहाँ मैं एक्टिव कैंपेन पे हूँ, ठीक है, और एक बार मैं आपको इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ प्राइसिंग पे हूँ, जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास 500 कॉन्टेक्ट्स हैं तो आप $9 पर मंथ से एक्टिव कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो एक्सपेंसिव नहीं है, $9 कितना हुआ, 700 रुपए करीब हो गया कुछ, है ना, जो कि बहुत ही छोटी सी रकम है अगर आप यू नो बिजनेस कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और बाद में हम इसको अपना एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईमेल एड्रेस है, तो सिंपल आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। मैं एक अपने आप ईमेल एड्रेस डाल देता हूं और इसको मैं कर देता हूं ट्राई इट फ्री। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के इसको ट्राई इट फ्री कर सकते हो। अभी सिंपल नाम वगैरह पूछ रहा है तो हम नाम वगैरह दे देते हैं। फोन नंबर मांग रहा है, देखो फोन नंबर हम देंगे नहीं, आप असली फोन नंबर दे देना, मैं दे नहीं रहा फोन नंबर, मैं एक डमी नंबर डाल दे रहा हूँ। What industry is your business in? किस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस है, तो मैं कंसल्टिंग एजेंसी डाल दे रहा हूँ। How many employees do have? मैं 6 से 20 डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। और how many contacts do you have? तो अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो लेस देन 500 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है कॉन्टेक्ट की, 5-10 हज़ार लोग ऑलरेडी हैं, तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो लेस देन 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कर दो नेक्स्ट स्टेप। और ये देन कह रहा है व्हाट गोल्स वुड यू लाइक टू अचीव, कि क्या आप अचीव करना चाहोगे एक्टिव कैंपेन से, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्रिएट अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमर जर्नी, आप वो करना चाहते हो, या ईमेल्स भेजना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं, बिल्ड एंड सेंड मोर टारगेटेड सेगमेंटेड ईमेल्स, दैट्स इट। और इसको हम कर देते हैं सिंपल नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि क्या आप और अलग टूल यूज कर रहे हो, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, ओके। तो सिंपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, उसके बिना आगे नहीं जाने दिया इसने। और सिंपल मैं कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। और अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है जी, पासवर्ड डाल दिया, और टेक मी टू माय अकाउंट, ओके। अब ध्यान से देखो, आप यहां पे एक चीज है लिस्ट, राइट। एक बार मैं वॉक थ्रू भी करा देता हूं आपको। आप सबसे पहले आप आओगे तो देखो यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं आपको, ये आपके पास होम स्क्रीन आ रही है, क्योंकि हमने एकदम जस्ट नया अकाउंट बनाया, तो ये कह रहा है कि ये चीजें कर लो भैया, है ना। तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज है कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट में क्या दिखेंगे, जो भी आपके कॉन्टेक्ट हैं वो सारे कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अभी एक कॉन्टेक्ट दिख रहा है, वो मेरा खुद है जो मैंने अभी ऐड किया था, तो वो कॉन्टेक्ट आ रहा है।
बाकी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस मैं यहीं चला जाता हूँ, ठीक है। देन आ रहा है आपका कैंपेन्स, अभी आप आगे समझोगे कि कैंपेन्स वगैरह क्या होती है। देन ऑटोमेशन, तो जो भी आप सीक्वेंसेस बनाओगे वो सारे सीक्वेंसेस कहाँ नजर आते हैं, वो सारे सीक्वेंसेस आपको नजर आते हैं ऑटोमेशन में। डील्स, अगर आपने इसका सीआरएम लिया हुआ है तो आप सेल्स देख सकते हो कि किस स्टेज पे आपकी सेल है। अगेन हमने वो लिया नहीं हुआ तो हमारे काम का नहीं है। कॉन्वर्सेशन, अगेन हमारे काम का नहीं है। लिस्ट, आज हम समझेंगे कि लिस्ट क्या होती है। फॉर्म, अगेन आगे के लेसन में हम समझेंगे कि फॉर्म कैसे एम्बेड करना है, कैसे बनाना है। रिपोर्ट्स, जो भी आपकी रिपोर्ट है, कितने आपने मेल भेजी और कितने लोगों ने मेल खोली, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो सारी चीजें आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो। तो सब आज के लेसन में हम समझते हैं लिस्ट क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझना। देखो, सपोज करो कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, स्टेशनरी कह लो या मैगजीन्स वगैरह की कह लो, बुक स्टोर कह लो बेसिकली, ठीक है। एक बुक स्टोर है आपके पास और आपके पास बड़ी सारी मैगजीन्स हैं, लोग अलग अलग किस्म की मैगजीन्स आपके यहां से खरीद के लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से कुछ लोग हैं जो गोल्फ की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, कुछ लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो कोई और चीज से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। अब ये सारे लोग हैं आपके पास, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने एक नई मैगजीन लॉन्च की, आपने लॉन्च नहीं की, लॉन्च जिस कंपनी ने भी की, आपने उनके साथ टाई अप किया है ना, और वो मैगजीन है से कुकिंग के बारे में, ठीक है। अब आपने क्या किया स्टार्ट, आपने गोल्फ वालों को फोन करके बोला कि भैया देखो एक कुकिंग की मैगजीन आई है। अब आपने क्रिकेट वालों को फोन किया कि भैया देखो एक नई कुकिंग की मैगजीन आई है। सेम आपने बिजनेस वालों को फोन किया कि भैया देखो एक बिजनेस से एक कुकिंग की मैगजीन आई है ना। अब आपने बिजनेस वाले को फोन किया भैया कुकिंग की मैगजीन आई है, वो कहे भाई कुकिंग से मेरा क्या लेना देना है ना, कुकिंग में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है तो बताओ, बट आपके पास तो कुकिंग है। दूसरी चीज, क्रिकेट वाले को, क्रिकेट, अरे भैया मेरा क्या कुकिंग शुकिंग बेच रहे हो भैया, कुछ क्रिकेट में आई है तो बता, है ना। कुकिंग में इन तीनों का इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग की अगर आपके पास नई मैगजीन आई है तो वो किसे ऑफर करना चाहिए आपको, वो मैगजीन आपको ऐसे लोगों को ऑफर करना चाहिए जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट किस चीज में है, कुकिंग में, राइट। अब मान लो कि आपने अपने बुक स्टोर में क्या काम किया होता, अगर आपने अपने बुक स्टोर में अलग अलग से आपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर रखे होते, अलग अलग आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे होते कि भैया गोल्फ में किसका इंटरेस्ट है, भैया क्रिकेट में कौन कौन से लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के ले जाते हैं, भैया कौन कौन से लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, कौन से लोग हैं जो कुकिंग से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप सीधे क्या करते, आप देखते कि भैया कुकिंग में किसका इंटरेस्ट है, आप वो लिस्ट निकालते और आप उनको फोन करते। अब अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन नहीं लॉन्च हुई है तो आप क्या करते, सिंपल आप क्रिकेट वालों को देखते और आप उनको फोन करते, राइट। तो सिमिलरली ईमेल मार्केटिंग में भी सेम चीज काम करती है ना। अब सपोज करो कि आप ऑनलाइन एजुकेशन आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन का आपका प्लेटफॉर्म है और आपके पास कुछ लोग हैं जो कि MBBS की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आपके यहाँ टाई अप किया हुआ है। सिमिलरली कुछ लोग हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली से बस वो आपसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ हैं जो अगेन SSC की तैयारी कर रहे हैं और टू बी स्पेसिफिक वो आपसे कुछ और पढ़ रहे हैं, से वो क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब आप को मेल भेजना है तो अब आप ये काम नहीं कर सकते कि तीनों को सेम मेल भेज रहे हो, वो काम आप नहीं कर सकते क्योंकि MBBS वालों को SSC में इंटरेस्ट नहीं होगा और जो SSC मैथ्स का आपसे पढ़ रहे हैं उनको SSC रीजनिंग में आपसे पढ़ने का कोई ज्यादा वो नहीं है ना। तो आप सबका क्या करोगे, सेपरेट करोगे, सबको एक सेपरेट फोल्डर में डालोगे, सबको एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाओगे सबका, और उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम ईमेल मार्केटिंग में क्या कहते हैं, लिस्ट, ठीक है, उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, लिस्ट।
तो अब आप क्या लिस्ट बनाओगे, बहुत ही सिंपल लिस्ट बनाओगे, जिसने भी आपसे एमबीबीएस के लिए कोर्स खरीदा है उसको आप एक एमबीबीएस की लिस्ट में डाल दोगे, जिसने भी आपसे एसएससी का कोर्स खरीदा है उसको आप एसएससी के लिस्ट में डाल दोगे, जिसने आपसे किसी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स का कोर्स खरीदा है आप उसको टीचिंग वाले ग्रेड में डाल दोगे, है ना। तो हर अलग अलग कोर्स को आप अलग अलग लिस्ट में डाल दोगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है जी। तो बेसिकली लिस्ट होता क्या है, लोगों को उनके अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप करना, मतलब सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की एक अलग सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपको अब लिस्ट बनाना है, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो पहला काम आपको क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर। तो सेम है, यहां पे गया लिस्ट के अंदर और यहां पे ऑप्शन आ रहा है एड लिस्ट, तो मैंने किया एड लिस्ट। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, है ना, तो ये हमारे क्या है, से कस्टमर है तो कस्टमर ले लो, या प्रोस्पेक्ट है तो प्रोस्पेक्ट ले लो, या सिंपल कर सकते हो क्रिएट योर ओन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कर सकते हो क्रिएट योर ओन लिस्ट, से हमारे ये प्रोस्पेक्ट है तो मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ले लिया और इसको मैंने कर दिया एड। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई जिसका नाम है सिंपल प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब सपोज मैं एक और लिस्ट बनाना चाहता हूं, मैं किसके लिस्ट बनाना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने एमबीबीएस का कोर्स खरीदा है, इनके लिस्ट बनाना चाहता हूं। तो वापस गया मैं, गया एड लिस्ट और देखो यहाँ पे लिस्ट का नाम पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल कर देता हूं। मैं गया एड लिस्ट और यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूं एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लिस्ट यूआरएल आपको अपनी बेसिकली वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है। तो मैं सिंपल से मेरी वेबसाइट abc.com ये डाल देता हूं, और लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, ये जो बंदे इस लिस्ट में इंक्लूड की, आपने इन लोगों को इस लिस्ट में क्यों डाला है। तो मैं सिंपल डाल देता हूं यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू परचेज्ड आर एमबीबीएस कोर्स, सिंपल और एड। अब आपने बना दी लिस्ट किसकी, आपने एमबीबीएस स्टूडेंट्स की लिस्ट बना दी, ठीक है। तो एक और लिस्ट बनाते हैं, इस बार हम बनाते हैं एसएससी मैथ्स, ऐसे लोग जिन्होंने एसएससी मैथ्स की कोचिंग ली है, और यहां पे भी मैं abc.com/ssc ये डाल देता हूं। यहां पे क्या लिखोगे, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू परचेज्ड आर एस एस सी मैथ्स मैथ्स कोर्स, सिंपल इसको ऐड कर दो। और भी कोई है तो सेम उससे ऐड अ लिस्ट, और ऐसे आप बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो कभी भी आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो स्टेप वन क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है, ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। अब आगे कल के लेसन में हम समझेंगे कि और आगे क्या क्या चीजें होती हैं और इस लिस्ट का आपको यूज क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप एक्टिव कैंपेन में फॉर्म बना सकते हो। सो फॉर्म का यूज क्या है, पहले आप ये देख लो, आप देखते हो वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह फॉर्म होता है जिसे आप फिल करके अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हो। जैसे कि एक ये मेरा पेज है जहाँ पे मैं एक फेसबुक की चेकलिस्ट देता हूँ आपको, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है गिव मी द ईबो। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है, ये फॉर्म है। ये फॉर्म मैंने कैसे बनाया है, ये फॉर्म मैंने बनाया है एक्टिव कैंपेन से। जैसे ही आप ये फॉर्म बनाओगे आपके डिटेल्स एक्टिव कैंपेन में आ जाएंगी और ये फॉर्म आपको रिडायरेक्ट कर देगा थैंक यू पेज, राइट। ये आप सीखोगे कि कैसे आप ये फॉर्म एक्टिव कैंपेन के अंदर बना सकते हो। देखो जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको एक्टिव कैंपेन में लॉगिन करना है। मैं लॉग इन हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्म का ऑप्शन है, फॉर्म है ना, आपको इस फॉर्म को क्लिक करना है, इसको यहां से क्लोज कर दो। यहाँ पे सिंपल आ रहा है क्रिएट अ फॉर्म, इसे क्लिक करो और इस फॉर्म का नाम दे दो। अब हो सकता है आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल फॉर्म्स हो, राइट, तो आपको इस फॉर्म का नाम दे देना है। क्या आप नाम देना चाहते हो इस फॉर्म को, आप अपने पेज के हिसाब से नाम दे सकते हो। तो से मैं कोई एमबीबीएस की तैयारी के लिए कोई मैं फ्री बुक दे रहा हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमबीबीएस फ्री ई बुक,
ठीक है, यहाँ इनलाइन ले लेना है आपको। देने पूछ रहा है एक्शन कि ये जब कोई इस फॉर्म को सब्सक्राइब करे या जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करे तो क्या हो, राइट? तो इसमें एक ऑप्शन है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, है ना, तो आपको लेना है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट और यहां से लिस्ट सेलेक्ट करना है आपको, राइट? कल हमने सबसे पहले इसीलिए लिस्ट बनाया था, ठीक है। ये किस चीज की ईबुक है? एमबीबीएस की तैयारी की, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, तो हम यहाँ पे लिस्ट कौन सी ले लेंगे, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिस्ट का नाम दे दिया मैंने एमबीबीएस फ्री बुक, यहाँ पे दे दोगे इनलाइन फॉर्म, यहाँ पे ले लोगे सब्सक्राइब टू अ लिस्ट और इसको नाम दे दोगे एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एड अ टैग, अभी टैग क्या होता है ये मैं आपको किसी और लेसन में समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ लो बस, आपको लेना है यहाँ पे सब्सक्राइब टू अ लिस्ट और ये ले लेना है एमबीबीएस स्टूडेंट और इसे कर दो आप क्रिएट। ठीक है जी, अब थोड़ा सा वेट करना है आपको। हाँ, अब ये फॉर्म आ गया, तो ये जो आ रही है ना चीज सब्सक्राइब टू ईमेल अपडेट, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप होवर करोगे ऑप्शन आ जाएगा, इनको यहाँ से डिलीट कर दो। और ये देखो नीचे एक्टिव कैंपेन की ब्रांडिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में चले जाओ, स्टाइल में चले जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो स्टाइल में चले जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है देखो एक्टिव कैंपेन ब्रांडिंग, इसको उड़ा दो यहाँ से। अब यहाँ पे देखो फुल नेम है, फुल नेम मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ से कर दो रिक्वायर्ड, मतलब ये भरना जरूरी है, ठीक है। ईमेल बाय डिफॉल्ट जरूरी है, उसके बिना तो ईमेल मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। अब आपको यहाँ पे और सारी फील्ड ऐड करनी है, तो आप जाओगे फील्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ फील्ड पहले से ही बने हुए हैं, जैसे आपको फोन नंबर चाहिए, है ना, तो ये फोन नंबर उठाया और यहाँ पे आपने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब फोन नंबर को क्लिक करो और इस रिक्वायर्ड को भी चेक कर दो, अगर आपको फोन नंबर भी मैंडेटरी आप चाहते हो तो इसको आपको चेक करना है। वापस क्लिक करो, फील्ड पे जाओ और भी देखो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं, तो जो भी आप चीज चाहते हो वो यहाँ पे उठा के डाल सकते हो, ठीक है। अब से आप कोई कस्टम चीज इसमें ऐड करना चाहते हो, से मैं चाहता हूँ इस बंदे का एड्रेस, घर का एड्रेस, ठीक है, या इसके सिटी का नाम, ठीक है, तो आपको करना है ऐड कस्टम फील्ड। देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड कस्टम फील्ड, तो आपको करना है ऐड अ कस्टम फील्ड। अब इस फील्ड का नाम देना है, तो से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिटी, ये आप ऐसे ही छोड़ दो। और फील्ड टाइप कि आप क्या चाहते हो, मतलब फील्ड अलग अलग टाइप की होती है, तो एक तो सिंपल है टेक्स्ट इनपुट जहाँ पे वो कुछ लिख सकता है, एक है टेक्स्ट एरिया, पूरा एरिया आएगा जहाँ पे लिख सकता है, प्लस आप डेट मांग सकते हो, ड्रॉप डाउन करके वो सेलेक्ट कर सकता है, लिस्ट आ जाएंगी, रेडियो बटन है, चेकबॉक्स है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, एक बार वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फील्ड पे देखो, फील्ड पे जाते हैं, माई फील्ड्स पे आ जाओ, एक बार माई फील्ड्स पे, स्टैंडर्ड पे नहीं, माई फील्ड्स पे, और ये सिटी है। अब देखो ये सिटी में मैं ऐड नहीं कर पा रहा क्योंकि ये क्या कह रहा है कि कस्टम फील्ड्स कैन नॉट बी एडेड टू अ फॉर्म ड्यूरिंग अ ट्रायल पीरियड। अब ये ट्रायल पीरियड है इसीलिए मैं इस फॉर्म को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। अगर ये मेरा नॉर्मल एक्टिव कैंपेन का अकाउंट होता तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देता, बट अभी मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि ये ट्रायल पीरियड है, राइट? उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आप ये फॉर्म, आप इसका पेड अकाउंट ले लोगे एक्टिव कैंपेन का, तो सिटी को उठा के आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्रॉप, जो भी आप कस्टम फील्ड बनाओगे उसे उठाना है और उठा के उस फील्ड को क्या कर देना है, यहाँ पे ड्रॉप, बिल्कुल ही सिंपल। एक और फील्ड ऐड करके देख लेते हैं, ऐड कस्टम फील्ड और से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेट, राइट? और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह इस बार हम ले लेते हैं से ड्रॉप डाउन। अब देखो आपसे यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन वन क्या है, तो उसे मैं डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश, ये मैं डाल देता हूँ दिल्ली, ये मैं डाल देता हूँ बिहार और इसको मैं कर देता हूँ ऐड, राइट? तो अब ये ड्रॉप डाउन भी आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है जी। तो जो भी आपको फील्ड चाहिए, ठीक है जी, तो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप उसकी फील्ड बना के, कस्टम फील्ड बना के उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। वापस आ जाओ स्टाइल पे, आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप बॉर्डर चेंज कर सकते हो, फॉर्म की विड्थ चेंज कर सकते हो, बट ये सारी चीजें आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं, राइट? और ये बस मेक श्योर कि आप ये ब्रांडिंग ऑफ कर दो,
देन यहाँ पे ऑप्शन में चले जाओगे और ऑप्शन में देखो आपको, एक सेकेंड, ऑप्शन में देखो एक चीज यहाँ पे एक आएगी जो कि बहुत जरूरी है, वो क्या है, ऑन सबमिट क्या हो, कि जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए तब क्या हो, थैंक यू पे जाए या कोई ओपन यूआरएल या कोई नया यूआरएल ओपन कर दे। तो जब भी आप फॉर्म कोई एम्बेड करोगे तो आप क्या बनाओगे, पहले उसके लिए एक थैंक यू पेज बनाओगे, है ना। जब भी लैंडिंग पेज बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, थैंक यू पेज बनाते हैं, है ना। तो आप थैंक यू पेज बनाओगे और यहाँ पे ले लोगे ओपन यूआरएल और जो भी आपका थैंक यू पेज है आप उसका लिंक यहाँ पे डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आप एग्जाम्पल देखो कि मैंने यहाँ पे नाम डाला और एक मैं यहाँ पे डमी ईमेल आईडी डाल देता हूँ और ये मैंने फोन नंबर डाला ऐसे ही और गिव मी अ फ्री चेकलिस्ट किया मैंने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। देखो ये थैंक यू पेज आ गया, ये मेरा थैंक यू पेज है ना। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो जो भी आपका थैंक यू पेज है उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। देन एक नीचे ऑप्शन है फॉर्म एक्शन, हमने क्या लिया था, सब्सक्राइब टू अ लिस्ट। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऑप्ट इन ऑप्शंस, आपको इसको क्लिक करना है। और बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे चीज है ऑप्ट इन कॉन्फर्मेशन, इसका मतलब जैसे ही कोई अपनी डिटेल डाले तो उसके पास एक ईमेल जाए कि भैया अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करो, राइट। तो इसको आपको ऑफ कर देना है। अगर आप ये चाहते हो करना कि जैसे कोई ईमेल आपके ऑप्ट इन करे तो उसके पास मेल जाए कि भैया अपनी ईमेल कंफर्म करो, वहां पे क्लिक करके वो कंफर्म करे, तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इससे होगा क्या, बहुत सारा जो ईमेल का डेटा है आपके पास आएगा नहीं, बहुत लोग आप ईमेल भेज नहीं पाओगे क्योंकि वो कंफर्म नहीं करेंगे, ज्यादातर लोग कंफर्म नहीं करते। बट आप चाहते हो करना तो आप अनेबल कर सकते हो। और इसको सिंपल मैंने कर दिया सेव और इसको आपको अनचेक कर देना है, अलाउ ब्लैंक फील्ड्स को, ठीक है। तो सिंपल क्या था, एक फील्ड था, इसमें एक है स्टैंडर्ड जो आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो और एक है माई फील्ड जो कि आप कस्टम फील्ड बना के यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। देन स्टाइल, आपका लेआउट कैसा होगा, फॉर्म का स्टाइल, बटन का स्टाइल, देखो बटन का बॉर्डर है तो आप यहाँ से चाहो तो बटन का बॉर्डर चेंज कर सकते हो, है ना, बटन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहते हो। कलर अच्छा नहीं है, ठीक है, बटन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बॉर्डर देखो ज्यादा ही हो गया है ना, तो बॉर्डर यहाँ से आप उड़ा सकते हो। कॉर्नर रेडियस चाहो तो वो चेंज कर सकते हो। पैडिंग चाहो फॉर्म की तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें आप यहाँ से बटन की चेंज कर सकते हो। और बाकी हमने कर दिया, यहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल करना है इंटीग्रेट, ठीक है जी। और देख रहे हो आपको यहाँ पे एक कोड आ गया। अब जहां पे भी आप ये फॉर्म शो करना चाहते हो ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है और वहां पे कोड आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस में कर रहे हो तो सिंपल एक कोड उठाओगे और अपने वहां पे उस सेक्शन के अंदर इस कोड को पेस्ट कर दोगे। जैसे आप इस कोड को पेस्ट करोगे वहां पे आपका फॉर्म नजर आने लगेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो क्या था सिंपल, इसको यहां से सेव एंड एग्जिट कर देते हैं और एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। अब जो जो इस फॉर्म में अपनी एंट्री सबमिट करेगा तो आपको यहाँ पे एंट्रीज दिखती रहेंगी कि कितने लोगों ने अपनी डिटेल यहाँ पे सबमिट किए, ठीक है। तो वापस मैं एक्टिव कैंपेन के मेन उस पे चला जाता हूं। और यहाँ पे मैं चला जाता हूं वापस फॉर्म पे, और वापस आप चाहो तो नया फॉर्म यहाँ से क्रिएट अ फॉर्म यहाँ पे नाम लिख के, और अगेन जैसे आपने अभी देखा था उसी तरीके से आप दोबारा यहाँ से कोई भी नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। बहुत ही आसान है फॉर्म क्रिएट करना और आई होप आपको ये क्लियर है। एक मैं काम करूंगा, कल के लेसन में मैं आपको ये एम्बेड करके पूरा दिखा दूंगा, एक पेज पे एक लैंडिंग पेज बना दूंगा मैं, थैंक यू पेज बना दूंगा और उसमें मैं एम्बेड कर दूंगा और ये आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे एग्जैक्टली एम्बेड होता है। अगर आप में से कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि वर्डप्रेस पे एम्बेड होता कैसे, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में आपने फॉर्म लगाना सीखा था, प्लस मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म आप कैसे लगा सकते हो। आज के लेसन में मैं आपको फॉर्म लगा के बता देता हूँ कि वो फॉर्म एग्जैक्टली लगाते कैसे। सो यहाँ पे जैसे हमने एक फॉर्म बनाया था MBBS स्टूडेंट्स का, SSC मैथ्स का, और ये हमारी लिस्ट थी, फॉर्म नहीं थी, ये हमारी लिस्ट थी। तो वापस अगर मैं यहाँ से एक्टिव कैंपेन में जाऊँ और यहाँ पे मैं
फॉर्म्स में जाओ तो मुझे फॉर्म्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए एमबीबीएस फ्री ईबुक वाला ही फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंट्रीज है जीरो, मतलब इस फॉर्म में अभी कोई भी नहीं है, तो ये वाला फॉर्म मेरे को लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले एडिट करता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन में आऊंगा अगेन, जैसे मैंने आपको कल बताती है, मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मेरा पेड प्लान नहीं है। पेड प्लान में मैं ये कस्टम चीजें ड्रैग ड्रॉप कर सकता था, बट इनिशियली आपको ये जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ये बेसिक फुल नेम ईमेल, और बेसिकली आपको ईमेल एड्रेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, फोन नंबर भी उतना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, ऑप्शन में जाना है, और ये जो थैंक यू पेज मेरे को सबसे पहले तो यहाँ डालना है, ठीक है। ऑप्शन में मैं गया और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑन सबमिट, तो एक है शो थैंक यू या ओपन यूआरएल, तो मेरे को करना है ओपन यूआरएल, और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, अपना थैंक यू पेज। तो एक ये ऐसे लैंडिंग पेज है, डमी लैंडिंग पेज है, और ये उसका थैंक यू पेज है, ठीक है। तो ये मैंने थैंक यू पेज लिया और ये मैंने थैंक यू पेज यहाँ डाल दिया, ठीक है, सिंपल। और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा आगे इंटीग्रेट, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। अब ये एक मेरे पास कोड आ गया, देखो सिंपल एम्बेड, ठीक है। अब इस कोड को मुझे कर लेना है कॉपी, ठीक है, सिंपल कंट्रोल सी किया मैंने, कॉपी हो गया, और वापस में आया अपने लैंडिंग पेज पे, ठीक है। ये मेरा एलिमेंटर से मैंने जस्ट इसको वो किया था, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर, राइट, तो इसको करो एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर किया। अब सपोज यहाँ पे मुझे वो फॉर्म डालना है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे प्लस किया, एक नया सेक्शन लिया, और मैंने यहाँ पे सर्च किया HTML, ये HTML है ना, ये HTML यहाँ लिया, और वो कोड मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया। देखो यहाँ पे फॉर्म आ गया, और इसको मैंने यहाँ पे किया अपडेट, और यहां से मैं चला गया एग्जिट, और इसको मैंने यहां खोल लिया फॉर्म। अब इस फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। मैंने डिटेल डाल दी, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर नाम, ईमेल, फोन नंबर, ठीक है, अगेन सारी चीजें नकली हैं, और इसको मैंने कर दिया सबमिट। अब देखो जैसे ही सबमिट किया थैंक यू पेज आ गया मेरा, राइट। अब मैं वापस अपने इस पे आता हूं और इसको यहां से कर देता हूं फॉर्म को सेव एंड एग्जिट। अब देखो यहां पे एंट्री भी आ गई 1, पहले एंट्री थी 0, अब एंट्री आ गई 1, इसको क्लिक करो, देखो वो जो मैंने अभी ईमेल आईडी डाली थी वो यहाँ पे एंट्री शो होने लग गई, राइट। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अभी तक क्या प्रोसेस रहा है, सबसे पहले हमने अकाउंट बनाया, देन नंबर 1 काम हमने क्या किया, हमने लिस्ट बनाया। लिस्ट क्या है, लिस्ट है आपके जितने भी यूजर्स हैं उनको सेग्रीगेट करने के लिए, उनको रेलेवेंट ईमेल जाए उसके लिए हम अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। एमबीबीएस वाले को एसएससी की ना जाए, एसएससी को एमबीबीएस की ना जाए, क्रिकेट वाले को गोल्फ का ना जाए, गोल्फ वाले को क्रिकेट का ना जाए, इसके लिए इन सबको एक अलग अलग यू नो लिस्ट में डालना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट बनाया, लिस्ट के बाद हमने फॉर्म बनाया, हमने फॉर्म उठा के डाल दिया, और यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई। अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट होगी जहां पे उसको हम ऑटोमेशन वगैरह सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेशन सेटअप करने से पहले अगले लेसन में हम कुछ समझेंगे टैग्स वगैरह के बारे में, कि टैग्स वगैरह क्या चीजें होती हैं, उसके बाद हम ऑटोमेशन और बाकी चीजें सेट करना सीखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, वेलकम टू न्यू लेसन। तो लास्ट के लेसन में हमने फॉर्म लगाया था अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, तो एक बार देखते हैं दोबारा। ये एक हमारा डमी लैंडिंग पेज था और इसके ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया है, और ये हमारा थैंक यू पेज था। अब देखो जैसे आपका ये लैंडिंग पेज है, ठीक है, तो इस पे हमने फॉर्म बनाया है, तो सपोज करिए 2-3 एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने बात की थी कि हम क्या दे रहे हैं, एमबीबीएस के ऊपर एक ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने बनाया है लैंडिंग पेज, ठीक है जी। तो उसके ऊपर हमारा लैंडिंग पेज है और इसके ऊपर हमारा फॉर्म है, ठीक है। अब जैसे ही कोई ये फॉर्म सबमिट करेगा
हम उसे क्या भेजेंगे, हम उसे वो ई बुक भेजेंगे जिसके लिए उसने ऑप्ट इन किया है, राइट। तो ये हमारा ये पेज है, किसने ये फॉर्म भरा तो उसको हमारी ई बुक चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट कर देगा वो थैंक यू पेज पे आ जाएगा, और जैसे ही वो फॉर्म सबमिट कर देगा हम उसको ई बुक भेजेंगे, है ना। तो अभी ई बुक कैसे भेजनी है वो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, अब ये किस चीज का था, MBBS की ई बुक थी, राइट। इसके लिए हमने फॉर्म बनाया था, और वो फॉर्म को हमने किस लिस्ट में ऐड किया था, हमने लिस्ट बनाई थी सबसे पहले MBBS स्टूडेंट की, और देन हमने ये फॉर्म बनाया था जो कि था MBBS स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भैया जैसे ही ये बंदा ये फॉर्म भरे उसे उसकी ई बुक क्या चली जाए, ईमेल चली जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या सेटअप करना होगा, इसके लिए हमें सेटअप करना होगा ऑटोमेशन, ठीक है जी। क्या सेटअप करना होगा, ऑटोमेशन। अब ऐसा तो आप करोगे नहीं कि जैसे ही किसी ने भी यहां पे अपना नाम ईमेल एड्रेस डाला आप मैन्युअली हर बंदे को क्या कर रहे हो, मैन्युअली हर बंदे को ई बुक भेज रहे हो, ठीक है। ये करना आपके लिए पॉसिबल तब है अगर डेली 5 लोग 10 लोग या 15 लोग आपकी ई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, तब तो आप ये काम कर सकते हो। मगर मान लो डेली 500 लोग डाउनलोड कर रहे हैं या 1000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं, 2000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैन्युअली आप उन्हें नहीं भेज सकते। 5-10 को भेज सकते हो, 20-50 को भेज सकते हो, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 को नहीं भेज सकते। तो उसके लिए आप क्या सेटअप करोगे, तो उसके लिए आप सेटअप करोगे ऑटोमेशन। अभी ऑटोमेशन बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो मैं सारी चीजें इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको, आगे की काफी सारी वीडियोस ऑटोमेशन के ऊपर ही हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब मुझे उसे ईमेल भेजनी है, ठीक है, जिससे वो ईबुक डाउनलोड कर सके, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं उसे एक लिंक भेजूंगा, मैं जो उसे ईमेल भेजूंगा ना उसमें एक लिंक भेजूंगा, जिस लिंक को क्लिक करके वो क्या कर सकता है, बुक डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करके वो क्या कर सकता है, बुक डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी ईबुक बना लोगे, उसके बाद आप सिंपल एक काम करोगे, आप गूगल ड्राइव में जाओगे, आपकी जो भी गूगल ड्राइव है, और यहां पे मैं गूगल ड्राइव में हूं, यहां पे न्यू ऑप्शन है उसे क्लिक करोगे और एक ऑप्शन आएगा फाइल अपलोड, ठीक है। आप सिंपल फाइल अपलोड करोगे, ये मेरी वो सिंपल सैंपल पीडीएफ है, तो ये मेरी फाइल अपलोड हो रही है, ठीक है। जो पीडीएफ मैं उसे ईमेल भेजूंगा, वो पीडीएफ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं। आप चाहो तो इसे किसी और ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो, किस कहीं और अपलोड कर सकते हो, बट मैं अपलोड कर रहा हूं गूगल ड्राइव पे, ठीक है। अब यहां पे मेरी पीडीएफ अपलोड हो गई, ठीक है। अब मैं सिंपल कहां आऊंगा, मैं आऊंगा अपने एक्टिव कैंपेन के अंदर, यहां पे मेन मैं एक्टिव कैंपेन में आ जाता हूं, और अब मैं आऊंगा यहां पे ऑटोमेशन, ठीक है जी। कहां आऊंगा, ऑटोमेशन। तो मैं आया सिंपल ऑटोमेशन, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से देखना है आप। मैं सिंपल आया हूं ऑटोमेशन पे, ठीक है जी, और यहां पे देखो ऑटोमेशन है, क्रिएट एन ऑटोमेशन। तो सिंपल मैंने किया क्रिएट एन ऑटोमेशन, और यहां पे देखो बड़े सारे ऑप्शंस है ऑटोमेशन के अंदर, आप देखोगे ना तो बड़े सारे ऑप्शन है, बट आपको इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहां से कर देना है कॉन्टिन्यू, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। हो रहा है आगे, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करते हैं, ये लोड हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हो, ओके ओके जी। वेट करते हैं एक बार ये लोड हो जाए, तो फिर हम अपना ऑटोमेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। ऑटोमेशन अब बनाने से होगा क्या, जैसे ही कोई ये फॉर्म फिल करेगा उसे अपने आप ईबुक का लिंक मेल चला जाएगा, और वहां से वो उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखो ध्यान से देखना,
इसे बंद करते हैं। देखो सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है यहां पे, एड अ स्टार्ट ट्रिगर, ठीक है, एड अ स्टार्ट ट्रिगर, इसका मतलब है ये ऑटोमेशन स्टार्ट कब हो, ठीक है, ये ऑटोमेशन कब स्टार्ट हो। अब ध्यान से देखो हमारा ऑटोमेशन कब स्टार्ट होगा, हम किस चीज की ईबुक दे रहे हैं, हम ईबुक दे रहे थे एमबीबीएस की, है ना, एमबीबीएस की ईबुक दे रहे थे, और इसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया था, ठीक है, और वो जो भी फॉर्म भरता वो एक लिस्ट में ऐड होता, वो कौन सी लिस्ट थी, वो लिस्ट थी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो हम यहां आएंगे और हम करेंगे क्लिक एड अ स्टार्ट ट्रिगर, और यहाँ पे देखो बड़े सारे ऑप्शन है, आपको टेंशन नहीं लेनी, देखो ये यहाँ पे ऑप्शन है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, राइट, कि मतलब कोई भी जब मेरी लिस्ट को सब्सक्राइब करे, तो सिंपल इसे क्लिक कर दिया सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, और इसे मैंने कर दिया कॉन्टिन्यू। अब ये पूछ रहा है कौन सी लिस्ट, ठीक है, एनी लिस्ट नहीं करना, एनी लिस्ट कर दोगे तो कोई भी फॉर्म भरे, कोई भी बंदा कोई भी फॉर्म भरे उसे मेल चली जाएगी, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लिस्ट सेलेक्ट करना है, और हमारी कौन सी लिस्ट है, हमारी लिस्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, ठीक है, ध्यान से देखना एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, तो ये मैंने ले लिया एमबीबीएस स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑप्शन है रन्स वंस या रन्स मल्टीपल टाइम्स। अब देखो होगा क्या, मान लो किसी बच्चे ने या किसी भी स्टूडेंट ने आज ये फॉर्म भरा और आज उसे मेल चली जाए, ठीक है, सपोज करो उसने कल भी फॉर्म भरा और कल भी उसे सेम मेल जाए, परसों फॉर्म भरे परसों भी सेम मेल जाए, मतलब अगर एक ही बंदे को सेम मेल बार बार भेजनी है तो आप इसे करोगे मल्टीपल टाइम्स, अगर एक ही बार भेजनी है तो आप करोगे वंस, मतलब अगर मैं आज इस ईबुक के लिए मेल भेजता हूं तो आज मुझे मेल चली जाएगी अगर मैं पहली बार भर रहा हूं, अगर मैं कल दोबारा इस फॉर्म को भरूं तो कल मुझे मेल नहीं जाएगी, ठीक है, ये है क्योंकि रन वंस, ठीक है, और ये करना है मुझे एड स्टार्ट। ठीक है, लिस्ट सेलेक्ट करना है, रन्स में आप वंस लोगे और इसे कर दोगे एड स्टार्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब कह रहा है इसे क्लिक करो, दोबारा क्लोज करो। अब स्टार्ट कब होगी ऑटोमेशन, जैसे ही कोई एमबीबीएस स्टूडेंट्स की लिस्ट को सब्सक्राइब करे, ठीक है, फिर प्लस का बटन दबाओ। अब आपको क्या करना है, अब हम चाहते हैं उसको ईमेल भेजना, अभी बड़े सारे कंडीशन है आगे के लेसन में समझोगे, ठीक है, अभी हम उसे क्या चाहते हैं, ईमेल भेजना, तो सेंड एन ईमेल, ईमेल कोई क्रिएट नहीं किया हुआ तो हम क्या करेंगे, यू कैन क्रिएट एन ईमेल हियर, तो क्रिएट सिंपल क्लिक किया, क्रिएट एन ईमेल। अब यहां पे ईमेल का नाम लिख दोगे, ये नाम बस आपको दिखेगा किसी को दिखेगा नहीं, तो यहां पे मैं सिंपल लिख देता हूं ईबुक डाउनलोड, ये आपको दिखेगा, ये आपके यूजर्स को नहीं दिखेगा, ये आपके रेफरेंस के लिए है, तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं एमबीबीएस ईबुक डाउनलोड, और इसको कर देते हैं क्रिएट। अब यहाँ पे आपको देखो बड़े सारे ऑप्शंस आ गए जहां से आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ईमेल्स, ठीक है, ये कुछ टेम्पलेट भी दिए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, देखो ये टेम्पलेट दिए हुए हैं, टू पे जाओगे तो और आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, राइट, तो ये बड़े सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि आप मेल भेजने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप मेल्स के अंदर, तो यहाँ पे हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं सिंपल सा, तो सी ये वाला ले लेते हैं टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको लिखना है अपने ईमेल का सब्जेक्ट, राइट, तो हम उसे क्या भेज रहे हैं, ईबुक भेज रहे हैं, है ना, तो हम सिंपल लिख देते हैं हियर इज योर फ्री ईबुक, ठीक है, हियर इज योर फ्री ईबुक, और इसे कर देते हैं कॉन्टिन्यू। अब देखो हम उसे ईबुक भेज रहे थे तो हम और क्या लिख सकते थे सब्जेक्ट में, अभी हमने लिखा है हियर इज योर फ्री ईबुक, और क्या लिख सकते थे हम, हियर इज योर फ्री डाउनलोड, या लिख सकते थे डाउनलोड योर ईबुक, ठीक है, या लिख सकते थे सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशंस,
राइट। तो ऐसे आप कुछ भी सब्जेक्ट लिख सकते हो, इसमें मैंने लिखा है हियर इज योर फ्री ईबुक, ठीक है, तो ये ले लिया मैंने। और ये आपका, आपको कोई लोगो है तो आप उसे यहाँ पे सिंपल क्लिक करो और जैसे एक काम कर सकते हो, सिंपल इसे क्लिक करके इसको पहले कर दो डिलीट। सिंपल एक बार हम सारा डिलीट कर देते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझा दूंगा। ये सारा डिलीट किया, सारा डिलीट किया, और आप जो भी डालना चाहते हो यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो। उसे आप इमेज डालना चाहते हो तो देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, इमेज यहाँ ड्रैग करो, इसे कर लो, ओके हो ही नहीं रहा, तो एक काम कर सकते हैं, हो गया, ठीक है। अरे देखो तीन चार इमेजेस हो गए ना, नेट थोड़ा स्लो था शायद, तो अरे भैया, अरे भैया डिलीट हो जा, तो इसको यहां से कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अरे भैया कितने सारे हो गए, देखो इससे भी डिलीट करते हैं, इससे भी डिलीट करते हैं। अब एक रह गया, अगर आप अब यहाँ पे इमेज कोई डालना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और आप इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई इमेज ऐड कर नहीं रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए डाला था। तो जो भी आप चीज डालना चाहते हो, वीडियो डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, बट आपको इतनी सारी चीजें डालनी नहीं, इसको सिंपल रखना है। तो मैं सिंपल काम करता हूँ, टेक्स्ट उठाता हूँ बस यहाँ से, टेक्स्ट ब्लॉक, और यहाँ पे मैं उसको लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको होने में, नहीं तो ये मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हे। मैं अगले लेसन में आपको समझाऊंगा कि जो नाम आ जाता है ना मेल में वो कैसे आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर डाउनलोडिंग द, थैंक यू सो मच फॉर opting in to download the ebook, click here to download the ebook right now, ठीक है। और cheers, जो भी आप आगे नाम लिखना चाहते हो, क्या जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब ये सेलेक्ट करके यहाँ पे देखोगे एरियल फॉन्ट आ रहा है, तो फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, से रोबोटो कर देते हैं, और फॉन्ट साइज भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, ओके सिंपल। आप कुछ और भी लिखना चाहते हो तो से, मैं इसमें और लिखना चाहता हूँ, वंस यू आर डन, से मैं लिखना चाहता हूँ कि अगर आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो ईबुक के बारे में, तो जस्ट हिट रिप्लाई एंड लेट मी नो। तो मैं लिख देता हूँ इफ यू वांट, या फिर मैं लिख देता हूँ आई वुड लव टू नो योर थॉट्स अबाउट दिस ईबुक, जस्ट हिट रिप्लाई एंड Let me know whether you like it or not. ठीक है, सिंपल। अब ये मेरी ई बुक थी, है ना, यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव पे उसको डाला था, तो इसको अब करते हैं हम क्लिक, ठीक है, और मोर एक्शंस में जाओ, यहाँ पे एक शेयर का बटन है, ठीक है, देखो दोबारा देख लो, यहाँ पे हमने गूगल ड्राइव में डाला था, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे गया मैं, थ्री आइकन्स जो हैं ये थ्री डॉट्स, शेयर का ऑप्शन है, ऑप्शन क्लिक किया, गेट शेयरेबल लिंक के ऊपर देखो ये लिंक आ गया, क्लिक किया ये लिंक आ गया, इसको किया मैंने कॉपी, अब मैं वापस आया और ये ऑप्शन है ना क्लिक हियर टू डाउनलोड द ई बुक, इसको मैंने क्लिक सेलेक्ट किया, और एक यहाँ पे ऑप्शन है देखो लिंक का, ये रहा ऊपर, इसे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसे कर दिया ओके, सिंपल। अब वो जो भी यूजर है उसको क्लिक करेगा तो ईबुक डाउनलोड हो जाएगी, और इसे मैंने कर दिया यहां से नेक्स्ट,
अब देखो यहां पे दिखा रहा है वी फाउंड पोटेंशियल इश्यूज, क्यों? क्योंकि ये जो मैं ईमेल भेज रहा हूं वो जा रही है जीमेल से, और ये भी क्या आ रहा है, ये जा रही है जीमेल से। तो ये मेरी क्या ईमेल आईडी थी, ये जिसके अंदर है जीमेल। ठीक है, तो मैं एक सिंपल काम कर सकता हूं, इसको मैं करता हूं एडिट, और ये फ्रॉम ईमेल है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने किसको कर दिया से दीपक @thinkandthrive.in से मैं ये वाली ईमेल डाल देता हूँ, और इसको मैं ऐसे ऐसे क्लोज करता हूँ। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट, अब देखो स्पैम चेक पास है, अब कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भैया ये जो आपका आपका कोई फिजिकल मेलिंग एड्रेस नहीं है, है ना? तो जब भी आप कोई भी ईमेल सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपके पास एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जो आपके ऑफिस का एड्रेस है वो एड्रेस डालना जरूरी होता है। तो सिंपल यहाँ पे कर दोगे एड अ न्यू एड्रेस, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो। ठीक है, कंपनी नेम डाल देते हैं सिंपल, और दिल्ली 1100। ठीक है, और इसको सिंपल कर देते हैं ऐड। यहां से एक बार डेस्कटॉप प्रीव्यू कर लो, मेलिंग एड्रेस सिंपल आपका एड्रेस है। ठीक है, इसको प्रीव्यू कर लिया, मेक सब सही है, इसको यहां सब कर लेंगे फिनिश। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश हो गया, अब यहाँ पे आ गया ईमेल टू सेंड, ये वही ईमेल है जो हमने बनाई थी, इसको हमने कर दिया सेव। सेव हो रहा है, और इस ऑटोमेशन का नाम दे दो MBBS स्टूडेंट, और इसे कर दो यहां से सेव। ठीक है, और सिंपल, अब जैसे ही कोई भी फॉर्म भरेगा उसको ये ईमेल अपने आप चली जाएगी, और इसे यहां से कर दो एक्टिव, और चले जाओ यहां से ऑटोमेशन। ये MBBS स्टूडेंट वाला है, ये ऑटोमेशन, इसके अंदर एक ईमेल है। ठीक है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब जैसे ही कोई ये फॉर्म फिल करेगा उसे अपने आप मेरी पहली ईमेल चली जाएगी ई बुक के लिंक के साथ, और वो उस ई बुक को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगेन, अगर आप पहली बार कर रहे होगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं, कल मैं एक और फॉर्म बना के पूरा ऑटोमेशन दोबारा सेटअप कर दूंगा ताकि कोई भी डाउट आपको ना हो। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।